हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो MS 23 का जो सोल्ड असाइनमेंट है, अपने जो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है ओल्ड MBA का है, और जो जनवरी 2023 में जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, तो वो 30 अप्रैल से पहले पहले 2023 से पहले पहले इसको हैंड रिटन बना के अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट कर देंगे। और जो जुलाई के अंदर एडमिशन लेंगे, वो भी जो है 31 अक्टूबर से पहले पहले इसको सबमिट कर देंगे हैंड रिटन बना के अपने स्टडी सेंटर पर। मैं ओल्ड MBA के स्टूडेंट को जैसे कि हमेशा गाइड करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी कोड की वजह से आपकी पूरी डिग्री जो है बैलेंस हो सकती है। ओल्ड MBA बंद होने के कागार पे है, क्योंकि न्यू MBA को स्टार्ट होकर 2 साल हो गए। आपकी वैलिडिटी किसी भी हालत में एक्सटेंशन नहीं होगा, और आपको क्या करना है, विद इन द टाइम अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है, अपने असाइनमेंट के मार्क क्लियर करने हैं। हो सकता है कि आपको जो है असाइनमेंट जो है उसके मार्क्स कोई अपडेट ना हुए हों, और आपने काफ़ी पहले अगर जमा किए, तो उसको भी हैंड रिटन बना के आप सबमिट कर दो, ताकि आपके मार्क्स टाइम से अपडेट हो जाए और पिछले मार्क्स के भरोसे ना रहें, और अदरवाइज़ जो है आपके साथ धोखा हो सकता है। और आपकी डिग्री अगर एक कोड की वजह से भी पेंडिंग रह जाती है, तो पेंडिंग ही रह जाती है। बहुत सारा ऐसे BA के स्टूडेंट के साथ हुआ, नया BAG आ गया, तो पिछले वालों के पूरे साल ऐसे ही ख़राब हो गए, और आपका टाइम और मेहनत पूरी वेस्टेज हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मकसद था आपको बताना कि विद इन द टाइम आपको जो है कंप्लीट करने अपने एग्ज़ाम और अपने असाइनमेंट। असाइनमेंट हमेशा मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले, क्योंकि कई बार मेरे नाम से आपको कोई और असाइनमेंट देता है जो रिलेवेंट नहीं रहते, और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं, या फिर आपका जो है एग्ज़ाम का क्रेडिट कार्ड में मार्क्स अपडेट नहीं होते। उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और अपने आप को जो है सेफ रखना है, अपनी डिग्री को टाइम से कंप्लीट करना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।